Assalamu alaikum students i hope all of you would be fine and safe at your homes uh, as you know your online classes are going to start and here is your first lecture on the topic integumentary system of the vertebrates The uh, topic is integumentary system of the vertebrates In Hamari last physical class the second physical class thi, उसमें हमने जो है वो इंटोगेंट्री सिस्टम को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था और इसमें बेसिकली टॉपिक तो हमारा ये है कि इंटोगेंट्री सिस्टम ऑफ इन एंड वर्टिब्रेट्स और इसमें जो है वो हमने वो ब्रेड्स का और वर्टिब्रेड्स का डिफरेंस भी एक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर किया था साथ में इंटगमेंट्री सिस्टम को भी जो है वो हमने डिटेल में देखा था लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए मैं दोबारा से बताती चलती हूँ कि इंटगमेंट्री सिस्टम क्या होता है दैन वर्टिब्रेड्स और इन वर्टिब्रेड्स का क्या डिफरेंस होता है इंटगमेंट्री सिस्टम बेसिकली बच्चों क्या होता है कि इसमें Uh, कोई भी आउटर कवरिंग जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल इन्वामेंट से बचा रही होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली हार्श कंडीशन से बचा रही होती है उसको हम इंटोगमेंट कहते हैं तो ये हमारी स्किन भी हो सकती है किसी भी किस्म के स्केल्स भी हो सकते हैं किसी भी किस्म का कोई भी स्ट्रक्चर जो कि हमारी बॉडी को जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा रहा होता है हम उसको जो है वो इंटोगमेंट uh, में ही लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन इज के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं दीज आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव एनी वेल डिवेल्प बैक और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास एक वेल डिवेल्प बैक या फिर वर्टिबल कॉलम भी हम उसको कह सकते हैं जिनके पास मौजूद होता है तो इसमें एग्जाम्पल में इन वर्टिब्रेड्स की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो इसमें इंसेक्ट आ जाते हैं इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट आर्थोपोर्ड्स हो गए और इंसेक्ट में आपको पता है कि इंसेक्ट क्या होते हैं उसके अलावा एमबा पैरामीशियम वग़ैरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं स्टार फिश हो गया ये तमाम चीज़ें आती हैं और वर्टी की बात करें तो इसमें फ़िशज़ आती हैं एम्फीबियंस फीबियंस दैन एंड बर्ड्स मैमल्स तो ये तमाम आ जाते हैं तो इंटगमेंट्री सिस्टम इंक्लूड्स स्किन एंड द रिलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट कवर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इसमें वो स्किन और स्किन के साथ तमाम रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो कि हमारी कोई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को महफूज रखते हैं प्रोटेक्ट करते हैं तो ये एनिमल्स में भी पाई जाती है प्लाट्स में भी पाई जाती है तो वी आर जस्ट हेयर वी आर ओनली कंसर्न विद द एनिमल्स इंटगमेंट्री सिस्टम ऑफ द वर्टी कंप्राइज द स्किन स्केल्स फीदर्स हेयर ग्लैंड स्किन के बारे में आप जानते हैं क्या होती है कि हमारी जो आउटर कवरिंग है अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम स्किन का नाम देते हैं उसके अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं जैसे कि स्नैक वगैरह होते हैं इनके ऊपर कुछ स्केल्स मौजूद होते हैं उसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर फ़ीदर्स मौजूद होते हैं जैसे कि बर्ड्स हैं बर्ड्स के ऊपर वो जो छोटे छोटे पर लगे हुए होते हैं उनको हम फीदर्स कहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर हेयर मौजूद होते हैं हेयर जैसे कि हेयर के बारे में तो आपको पता ही है मैमल्स हैं तो मैमल्स में ऑलमोस्ट तमाम मैमल्स जो हैं उनकी स्किन के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं आप ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें तो ह्यूमंस की भी ऑल ओवर द स्किन जो है वो हेयर से कवर हुई हुई होती है उसके बाद ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड्स भी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्किन के अंदर मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट स्क्रीशनस क्रिएट करते हैं जिनका काम डिफरेंट जो है फंक्शंस में होता है और ह्यूमन इंटिगमेंट्री सिस्टम जो है उसमें क्या तस्किन आती है बहुत सारे ग्लैंड आते हैं हेयर्स आते हैं नेल्स आते हैं तो ग्लैंड जो होते हैं वो क्या जैसे हाँ हमें आपको पता है कि ह्यूमन में स्वेट ग्लैंड होते हैं जो कि स्वेटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और भी बहुत सारे स्पेशस ग्लैंड होते हैं जो कि सिबम बना रहे होते हैं और हेयर्स मौजूद होते हैं ह्यूमंस की स्किन के ऊपर नेल्स होते हैं तो ये तमाम हमारे इंटोगेंट्री सिस्टम का ही पार्ट होते हैं काम क्या होता है हमारी स्किन का हमारे इंटोगेंट्री सिस्टम का बेसिकली ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ये वाटर लॉस से बचाती है बॉडी टम्परेचर को रेगुलेट करती है साथ में हमें एक्सटर्नल इन्वामेंट से बचा कर रखती है तो बॉडी को प्रोटेक्ट करना यानी कि बाहर से आने वाली जो भी चेंजेस हैं या फिर किसी भी किस्म के डैमेज से हमारी बॉडी को बचा कर रखना वाटर लॉस यानी कि एक्सेसिव पानी जो है वो हमारी बॉडी से ज़ाया ना हो जाए इस चीज़ से बचा के रखती है अगर फॉर एग्जांपल जो है वो कहीं पानी की जो है वो हमारे अंदर कमी हो रही होती है तो स्वेटिंग के प्रोसेस को जो है वो रोक दिया जाता है उसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना इन देंस के जब जो है वो गर्मी ज़्यादा हो रही होती है बाहर तो हमारी स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है उस स्वेटिंग से क्या होता है हमारी बॉडी की एक्सटर्नल हीट बाहर जा रही होती है और स्वेटिंग के बाद यू नो कि हमें कूलिंग uh, जो है कूलिंग का एहसास हो रहा होता है और उसके बाद ये सेंस द एक्सटर्नल इन्वामेंट और ये जो है वो आ, किसी भी एक्सटर्नल इन्वामेंट में आने वाली किसी भी चेंज को डिटेक्ट करने के लिए हमारी स्किन के ऊपर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जैसे बाहर गर्मी है सर्दी है हमें इन चीज़ों का कैसे पता चलता है बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स जो कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं उसके बाद जो है वो हमने बात की थी कि हमने जो फिज़िकल लेक्चर्स था हमारा जो फिज़िकल लेक्चर था लास्ट उसमें हमने वर्टिब्रेट्स में फ़िश को डिस्कस कर लिया था कि फ़िश के पास किस तरह की स्किन मौजूद होती है कौन सी टाइप्स ऑफ फ़िशज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं तो आज के जो लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ द इंटमेंट ऑफ़ द एम्फीबियंस तो बेसिकली हम एम्फीबियन से स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले आपके पास एम्फीबियंस का का इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है कि एम्फीबियंस क्या होते हैं बेसिकली बच्चे एम्फीबियंस आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन बोथ वाटर एज वेल एज इन ट्रिस्टल इन्वायरमेंट तो एम्फ़ीबियंस वो होते हैं जो पानी और खुश दोनों जगह पर पाए जाते हैं इसकी एग्जांपल क्या आपके माइंड में इस वक्त कोई आ रही है कि एम्फीबियंस कौन से होते हैं कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पानी और खुश दोनों पर पाए जाते हैं तो इसकी जो है वो बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो फ़्रॉग है फ्रॉग आपके सामने पानी और खुश दोनों इन्वामेंट में बहुत जो है वो ईज़िली uh, रह सकता है फर्स्ट सबसे पहले कहते हैं कि एम्फ़ीबियंस की जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है मॉइस्ट होती है इनकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के स्केल्स किसी भी किस्म की जो है वो और कोई हार्ड डिपोजिशन नहीं होती स्मूथ uh, होती है और मॉइस्ट मॉइस्ट का मतलब नमी वाली होती है आप फ्रॉक की स्किन अगर आप में से किसी के भी माइंड में हो तो वो बहुत ही जो है वो स्लाइमी और सॉफ्ट होती है एम्फीबियंस की स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के फीदर्स स्केल्स हेयर्स मौजूद नहीं होते बहुत ही स्मूथ होती है उसके बाद कहता है कि जो एम्फीबियंस की स्किन होती है इसके पास कोई भी प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग मौजूद नहीं होती लिहाजा अगर कभी भी ये पानी से दूर चले जाते हैं मतलब ज़्यादा टाइम के लिए दूर चले जाते हैं तो इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है अभी मैंने बात की ना कि ये खुशकी और पानी दोनों पर पाए जाते हैं लेकिन ये टूरिस्टल इन्वामेंट में भी पानी के करीब करीब वाली जो मॉइ मॉइस्ट एरियाज़ होते हैं ये वहाँ पर रहना पसंद करते हैं अगर कोई फ्रॉग ज़्यादा टाइम के लिए आ, पानी से दूर चला जाए तो उसकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है सेकेंडली इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एडवांटेज होता है फ्रॉग्स को स्किन का वो ये कि ये अपनी स्किन के थ्रू ही जो है वो ब्रीथिंग कर रहे होते हैं ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने का जो अमल होता है ऑक्सीजन को ये अपनी स्किन के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और जो इनकी बॉडी में बनने वाली एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको जो है ये आउट ऑफ द बॉडी मूव कर देते हैं थ्रू द स्किन तो ये एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो कि एम्फीबियंस को होता है थर्डली वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर क्योंकि अभी हमने बात की कि एम्फीबियंस की स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है ह्यूमड होती है Uh, लिहाजा ये प्रेफर करते हैं कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट वाटर अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट थोड़े से डिस्टेंस पर जाकर इनको वाटर अवेलेबल रहे क्योंकि अगर इनकी स्किन ज़्यादा टाइम uh, के लिए जो है वो पानी से दूर चली जाएगी तो वो ड्राई आउट हो जाएगी तो इनकी स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए इनको मॉइस रखना ज़रूरी है एंड हर इज़ ए डाइग्राम ऑफ द एम स्किन अच्छा यहाँ पर बच्चों डरम्स और रेपी की बात की गई है यहाँ मैंने इसको पहले डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने जो है वो अपने पहले लेक्चर में ये बात की थी कि किसी भी किस्म की जब आप स्किन की बात करते हैं ना उसमें एपिडर्मस डर्मस हाइपोडर्मस ये तमाम जो है ना वो तीन लेयर्स बेसिक होती हैं जो यहाँ पर मौजूद होती हैं किसी भी किस्म की स्किन में तो डर्मस है और एपिडर्मस सबसे एपिडर्मस जो होती है वो सबसे आउटर कवरिंग होती है किसी भी अगर आप स्किन की बात करें तो ये यहाँ पर हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं तो एम्फीबियंस की स्किन की भी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मस कहते हैं एपिडर्मस के नीचे आ जाती है डर्मस और उसके बाद डर्मस थोड़ी सी ज़्यादा डिवेलप होती है ये लिविंग होती है इसमें ज़्यादा सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं और इसमें आगे से वो कुछ सेल्स दिखा रहा है लैंगर सेल्स हैं लिफोसाइड्स हैं मास सेल हैं स्क्रिट्री सेल्स हैं, हैं, हैं ये सेल क्या काम कर रहे हैं ये ये आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो इन तमाम चीज़ों को ये तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे ये भी एक और डायग्राम है जो कि फ्रॉग ही की स्किन की है ऊपर जो ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ ये और जो नीचे आपको ये पीच टाइप एरिया नज़र आ रहा है ये सारी जो है वो इसकी डर्मस है उसके बाद हम बात करते हैं इंटिगमेंट ऑफ रेप्टाइल्स इंटिगमेंट आउट रिकवरिंग रेप्टाइल्स का मतलब कि ये रेप्टाइल्स अब कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं रेप्टाइल्स में बच्चों आपके पास स्नैक लीजर क्रोकोटाइल टर्टल्स टोटोइस ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं और जो uh, इनकी भी स्किन होती है स्किन की वही लेयर होती हैं एपिडर्मस होती है डर्मस होती है एपिडर्मस जो होती है वो सबसे आउटर होती है ये बेसिकली डेड होती है और इसके पास इनके पास जो है वो इनकी एपिडर्मस के अंदर कैराटिन डिपॉजिट हुआ हुआ होता है कैराटिन क्या है ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि बहुत ही टफ़ और इम होती है इम जो कि वाटर को जो है वो मूव नहीं करने देती और उसके बाद वाटर इसके इर्द गिर्द जो है वो मूव नहीं कर सकता और उसके बाद जो है ये कैराटिन का काम होता है किसी भी किस्म का फ़िज़िकली एब्रेसिव डैमेज से इनकी बॉडी को बचाकर रखना और उसके बाद जो है वो डर्मस uh, आ जाती है डर्मस के पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं कुछ रेप्टाइल्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी स्मॉल बोन्स भी मौजूद होती हैं इन बोन्स को हम ऑस्ट्रिकोडर्म्स कहते हैं उसके बाद कहता है कि uh, इनके पास uh, ये जो स्किन होती है स्किन के अंदर छोटी छोटी बोन्स का होना ये बेसिकली एक कैक्टरिस्टिक है सेवाना मोनीटर्स की और क्रोकोडाइल्स की तो सेवाना मोनीटर्स क्या होते हैं क्रोकोडाइल्स क्या होते हैं लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ द सवाना मोनीटर्स एंड क्रोकोडाइल्स ताकि आपको जो है ये अच्छे वाला आ, समझ आ जाए कि ये क्या एंड हियर वी गो विद दिस वाना मॉनिटर्स ये आप देख सकते हैं और ये एक क्रोकोडाइल्स हैं दिखाने की जरूरत तो नहीं थी वैसे लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो जिन बच्चों ने कभी क्रोकोडाइल्स नहीं देखे वो एक बार इनको जो है वो देख लें जी नेक्स्ट वो कहते हैं कि की जो स्किन होती है Uh, उसकी हीलिंग बहुत स्लो प्रोसेस होता है हीलिंग मतलब कि अगर फ़ॉर एग्जांपल इन में कोई भी किसी की भी किस्म की इंजरी जो होती है तो इनकी पूरी स्किन में आने वाले किसी भी ज़ख़म को या फिर उसके इस वन को हील करने के लिए आलमोस्ट जो है वो सिक्स वीक्स रिक्वायर होते हैं उसके बाद ये एक रेप्टाइल uh, की स्किन की छोटी सी डाइग्राम हैपी डरमस दैन डर्मस दैन फैट एपिडर्मस आउटर स्किन देन आती है डरमस और ड्रमस के नीचे जो भी फैट होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रही होती है और ड्रमस के नीचे मौजूद होती है तो यहाँ पर हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो रेप्टाइल्स में भी इनकी बॉडी में भी जो भी फैट की डिपोजिशन होती है वो इनके ड्रर्मस के नीचे होती है साथ में आपको ये स्वेट ग्लैंड दिखाई दे रही हैं स्वेट ग्लैंड का काम बच्चे होता है कि जो स्वेटिंग uh, करना यानी कि पसीना जिसको आप कहते हो उसके बनाने के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होती हैं उसके बाद ये आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर ये पोर्स बेसिकली स्किन में पाए जाने वाले वो छोटे छोटे सुराख हैं जिनके थ्रू स्वेटिंग या फिर एक्सेसिव हीट को जो है वो आउट ऑफ द बॉडी निकाला जाता है उसके बाद आपको ये ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं ऑयल ग्लैंड नज़र आ रहे हैं ऑयल ग्लैंडस का काम होता है डिफरेंट ऑयली सिक्रीशन बनाना और ब्लड वेसल्स होती हैं ये जो कि आप आप देख सकते हैं ब्लड वेसल जस्ट डर्मस में मौजूद हैं एपिडर्मस में कोई भी ब्लड वेसल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा डिवेल्प नहीं होती ना ही ये मौजूद होती हैं क्योंकि जो एपिडर्मस होती है वो डेड होती है इसमें वो सेल मौजूद होते हैं जो कि लिविंग नहीं होते आ, तो इसलिए जो है इसमें कोई किसी भी किस्म की ब्लड वेसल्स या फिर नर्व्स मौजूद नहीं होती ये नीचे आपको नर्व्स नजर आ रही हैं नर्व्स का काम होता है किसी भी किस्म की आ, जो है वो सेंस को कि स्टिमिलाई को परसीव करना स्टिमुलाई को ले जाना ब्रेन तक ले जाना और आगे मैसेज जो है वो उसे इंटरप्रेट करवाना और ये हेयर फॉलिकल्स हैं हेयर फॉलिकल्स बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी हेयर अटैच होता है तो यहाँ पर एक उन्होंने बहुत अच्छी डायग्राम से जो है वो आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख दी हैं ये सॉरी बाय मिस्टेक एक यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड जो है वो ऐड हो चुकी है अच्छा बच्चों यहाँ पर अब एक क्वेश्चन ये है कि बर्ड्स की जो है ना स्किन वो यहाँ पर मिसिंग है तो बेसिकली यहाँ पर बर्ड्स की स्किन इसलिए मिसिंग है क्योंकि बर्ड्स की इंट्रकूमेंट वो बेसिकली वही होती है जैसे आपने रेप्टाइल्स की बात की बिल्कुल वैसे ही बर्ड्स में वो तमाम फीचर्स वो तमाम स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं डिफरेंस ये है कि बर्ड्स के पास फ़ीदर्स मौजूद होते हैं फ़ीदर्स यानी कि छोटे छोटे से जो विंग्स होते हैं जो इनके छोटे जो पर होते हैं जो कि इनकी पूरी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं बर्ड्स के पास वो मौजूद होते हैं बाकी इनकी बॉडी के तमाम स्ट्रक्चर तमाम ग्लैंड वैसे वैसे ही होते हैं जो कि हमने रेप्टाइल्स की बात की और उसके बाद हमने बात करनी है इंटमेंट ऑफ मैमल्स तो ये है इंटमेंट ऑफ़ मैमल्स में सबसे पहले आती है स्किन तो जो मैमल्स की स्किन होती है वो सॉफ़्ट फ्लेक्सिबल होती है आउटर टिश्यू कवरिंग द बॉडी ऑफ द वर्टी ब्रेड्स एनिमल्स विद द थ्री मेन फंक्शंस इनकी प्रोटेक्शन रेगुलेशन और सेंसेशन मतलब ये है कि मैमल्स की जो स्किन होती है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और मैमल्स uh, जो है ना ये बेसिकली सबसे ज़्यादा वेल डिवेल्प वर्टिब्रेड्स में आते हैं आ, जो और इन में भी और इन मैमल्स में भी सबसे ज़्यादा जो वेल डि वेल डिवेल्प जो मैमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स आते हैं ह्यूमन बींग्स की थोड़ी सी बातें जो है वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली हैं यहाँ पर जो है वो हम मैमल्स की बात करते हैं तो इसमें आ, मतलब जो जनरल मैमल्स की बात कर रहे हैं हम तो इसमें कहते हैं कि इनकी जो स्किन होती है बेसिकली इसके थ्री फंक्शंस होते हैं प्रोटेक्शन होती है रेगुलेशन होती है सेंसेशन होती है प्रोटेक्शन यानी कि स्किन को डिफरेंट हार्श कंडीशन से बचाना डिफरेंट जो है वो फिजिकल डैमेज से बचाना किसी भी किस्म के एक्सटर्नल इन्वामेंट में आने वाले जो भी इंटेंस चेंज आता है उससे बचाना देन रेगुलेशन यानी कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना वाटर लॉस से बचाना देन सेंसेशन डिफरेंट सेंसेस को जो है वो रिसीव करना सेंसेशंस मतलब या फिर सेंसेस मतलब बाहर कितनी ठंड है बाहर कितनी गर्मी है पेन का रिसेप्टर्स पेन हमारी स्किन के ऊपर ज़रा सा भी आपको पता है कि टच किया जाए तो आपको पेन फ़ौरन से फील हो जाता है तो बेसिकली बिकॉज़ पेन के रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं और उसके अलावा प्रेशर को या फिर डिफरेंट जो भी चेंजेस आने वाली होती हैं हमारे एक्सटर्नल uh, इन्वामेंट में उन तमाम को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं तो फिर वही बात एपिडर्मस देन डर्मस और उसके बाद हाइपोडर्मस और देन उसके बाद कुछ और जो है वो वरीजन्स मौजूद होंगे एपिडर्मस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होती है ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है हमारी बॉडी के सरफेस के ऊपर और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग वाटर इन द बॉडी एंड प्रिवेंटिंग पैथजेंस फ्राम एंट्रिंग क्या मतलब है भाई इस बात का कि वो इसमें वो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जो एपिडर्मस होती है ये किसी भी मैमल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है जो सबसे आउटर स्किन होती है उसको हम एपिडर्मस कहते हैं बेसिकली ये एपीथीलियल सेल्स की बनी होती है ये वो बात है जो हमने पहले फ़िजिकल लेक्चर में उसको कर लिया था और ये डेड होती है डेड इन देंस कि आपने कि आपकी जो सबसे आउटर स्किन होती है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई एलर्जी वगैरह हो जाए आपकी स्किन के ऊपर या कोई भी और किसी भी किस्म के ज़ख्म में जब बिल्कुल आउटर स्किन उतर रही होती है है, तो ना तो उसमें आपको ब्लड निकलता है ना ही उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा पेन की फीलिंग्स आ रही होती हैं क्यूं? क्यों क्योंकि वो सेल ही डेड है जब सेल डेड होंगे तो वो जो है वो बिल्कुल भी किसी भी किस्म की ना तो वो पेन को रिसीव कर रहे होंगे ना ही वो किसी भी और स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो इसका काम एपिडर्मस का काम होता है हमारी स्किन को हमारी बॉडी को वाटर के लॉस से बचा कर रखना और साथ में बहुत सारे डिफरेंट पैथोजेंस पैथोजेंस यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी ऐसा एंटीजन कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है और एंटर होने के बाद कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी जो है वो कॉज कर सकता है तो इस ऐसे पैथोजेंस को हमारी बॉडी से एंटर होने से बचाने में भी एपिडर्मस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है दैन वी विल मूव टू वर्ट द डरमस डरमस इज अ लेर ऑफ द स्किन बिनेट द एपीडर्मस एपीडर्मस की ये नीचे मौजूद होती है बेसिकली डर्मस के अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिशूज़ होते हैं ये कुनेक्टिव टिशूज़ और बहुत सारे डिफरेंट सेल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन की कंडीशन से बचा कर रखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब के किसी, आ, कि किसी वही बात होगी बच्चों कि बाहर किसी भी किस्म के आने वाले चेन से किसी भी किस्म के आने वाले ऐसे चेन से जो कि हमारी स्किन के लिए हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है उससे कि हमें बचा के रखते हैं दैन टर्मल्स जो होती है वो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है टू द स्किन थ्रू दैन एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स कम्पोज ऑफ कोलेजन फेबरल्स माइक्रो फेबरल्स एंड इलास्टिन फाइबर्स ये बच्चे तमाम जो है ना ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ़ाइबर्स हैं जो कि कुछ में आ, कुछ प्रोटीन्स के होते हैं कुछ डिफरेंट केमिकल्स के बने हुए होते हैं इनका काम बेसिकली जो आपकी स्किन होती है जो किसी भी मेमल की जो स्किन होती है स्किन का जो डरम्स का पार्ट होता है ये सारे उसको बना रहे होते हैं तो उसकी जो ओवरऑल कंपोजिशन होती है जो डरमस की उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जैसे इलास्टिन फाइबर्स है ये आपके स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं इस तरह कोलेजन फिब्रल्ज़ हैं कोलेजन फिब्रल्स भी जो हैं वो आपकी बॉडी को ही आपकी बॉडी में जो स्किन है डर्मस उसको हीट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मौजूद होते हैं उसके बाद हमारी जो डर्मस होती है उसके पास बहुत सारे मिकैनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं मिकैनो रिसेप्टर्स दैट प्रोवाइड सेंस ऑफ द टच एंड हीट सुधा नॉसी रिसेप्टर्स थर्मो रिसेप्टर्स उसके बाद इनकी बात करते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स बच्चों ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी भी किस्म के मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे होते हैं ना द क्वेश्चन और वट इज़ मैकेनिकल स्टिमुलाई टच जो होता है ना जैसे आपकी स्किन की पूरी स्किन में कहीं पर भी आपको टच किया जाए तो फ़ौर से फील हो जाता है कि येस ये चीज़ हमें यहाँ पर कुछ टच हो रहा है तो बेसिकली वो भी एक मकैनो रिसेप्टर की ही एक जो है वो टाइप होती है इसी तरह बाहर से जो है वो हीट कितनी है कोल्ड कितनी है इसके लिए हीट रिसेप्टर्स और कोल्ड रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं और नौसी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो डिफरेंट पेन को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जो है वो कहीं पर कोई पिंच करता है चूंटी काट दी जाए तो उससे नौसी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं जो कि पेन की सेंसेशन को आपकी स्किन से उठाकर ब्रेन तक ले जाएंगे और ब्रेन से जाकर बोलेंगे कि यस वहाँ पर पिंच किया गया है बताओ उसका क्या जो है वो सोल्यूशन होना चाहिए और ये थर्मो रिसेप्टर्स यानी कि वो जो हीट और कोल्ड को रिस्पॉस करने के लिए मौजूद हैं जो कि बाहर ये देखते हैं कि अब जो है वो गर्मी बाहर ज़्यादा हो रही है तो वह ये मैसेज जो है वो उठा कर आपके ब्रेन के पास ले जाएंगे कि बाहर गर्मी ज़्यादा हो गई है इसके लिए क्या किया जाए देन वो ब्रेन आगे से जो भी मैसेज देगा ब्रेन आगे से मैसेज देता है कि अच्छा जी कूलिंग मेकनीज़म ऑन करते हैं स्वेटिंग को जो है वो स्टार्ट करवाते हैं तो ये सब जो है ना कि इंटिसप्टर्स की ही वजह से पॉसिबल होता है उसके अलावा स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं स्पीशियस ग्लैंड मौजूद होते हैं एपोक्राइन ग्लैंड मौजूद होते हैं लिम्फेटिक वैसल ब्लड वैसल्स हेयर फॉलिकल्स अभी हमने बात की हेयर फॉलिकल्स वो पॉइंट है जहाँ पर हेयर्स जो हैं वो अटैच होते हैं और आपको पता है मेमल्स की जो स्किन है उसकी तो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ही ये है कि इसके अंदर बहुत सारे हेयर्स मौजूद होते हैं स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं Uh, उसके बाद सीबीशियस ग्लैंड होते हैं जो कि के एक केमिकल सीबम आपकी स्किन के अंदर बना रहे होते हैं यह सीबम का काम होता है किसी भी किस्म के बैक्टीरिया को या फिर डिफरेंट जो पैथजेंस होते हैं उनको आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने से बचाना एंड द नेक्स्ट इज़ एपोक्राइन ग्लैंड ये भी बच्चे बेसिकली एक्सपेट ग्लैंड की ही एक टाइप होती है लिम्फेटिक वैसल दिज आर स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ वैसल दैट इज प्रेजेंट इन आवर स्किन ये बेसिकली बच्चे वो फ्लोइड जो हमारी ब्लड वैसल्स से जो ब्लड लीक हो जाता है उसको जो है वो फिर लेने उसको के उसको उठाकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं हमारी ये लिम्फेटिक वैसल्स और ब्लड वैसल्स वो जिसके अंदर जो वो है वो ब्लड मूव कर रहा होता है ब्लड वैसल्स इन द डोमस प्रोवाइड नरिशमेंट एंड वेस्ट रिमूवल फ्राम इट्स ओन सेल एज़ वेल एज़ फॉर द एपिडर्मस और उसके बाद कहता है कि जो ब्लड वेसल्स भी जो होती हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं और ये हमारे वेस्ट को रिमूव करवा रही होती हैं ड्रमस और एपिडर्मस दोनों से ही जो है वो रिमूव करवा रही होती हैं और उसके बाद आता है पेपिलरी रीजन द पेपिलरी रीजन इज़ कम्पोज ऑफ द उसके बाद ये है एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ एरूलर कनेक्टिव टिशूज़ बच्चे बेसिकली जो होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गन को आपस में जो है वो जोड़ने के लिए डिफरेंट स्किन के जो भी सेल्स uh, होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए ये मौजूद होते हैं और आप कह सकते हो कि जैसे आप कोई भी एक बिल्डिंग बना रहे होते हो उसका आप एक पिलर बना देते हो जो कि पूरी बिल्डिंग को जो है वो प्रो, प्रोटेक्ट कर रहा होता है उसको सपोर्ट कर रहा होता है इसी तरह ये जो पेपिलरी रीजनज़ होते हैं ये हमारी स्किन की जो सबसे जो बॉटम एरिया होता है वहाँ से लेकर लास्ट टिप तक जो है वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं या तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं और इनका काम होता है वहाँ पर डिफरेंट लूज टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करके रखना उसके बाद इनको पेपिलई इस रीजन को पेपिलई कहते हैं ये इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूंगी लास्ट पर ताकि आपको ये पैपिलई का थोड़ा सा क्लियर हो जाए सब क्यूटेनियस टिशूज़ मौजूद होते हैं सब क्यूटेनियस टिशूज़ जो होते हैं बेसिकली आप इनको हमारी स्किन का जो थर्ड पार्ट है हाइपोडर्मस वो भी कह सकते हो आ, आ, ये जो है वो स्किन का मतलब स्किन जो होती है वो ड्रमस और एपिडर्मस के ऊपर मुश्तमिल होती है सम टाइम स्किन के नीचे एक एडिशनल पार्ट होता है जिसको हम हाइपोडर्मस कहते हैं वहाँ पर ये सब क्यूटेनियस टिशूज़ मौजूद होते हैं इनका जो पर्पज होता है इट इज़ टू अटैच द स्किन टू अंडरलाइंग बोन एंड द मसल एज वेल एज सप्लाइंग इट विद द ब्लड वेसल नर्व्स मतलब कि इसका काम होता है हमारी जो डर्मस है जो स्किन है उसको डिफरेंट ब्लड वेसल नर्व एंडिंग्स या फिर इसको जो है वो इनके साथ अटैच करवा के रखना और इसमें जो है वो कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं लास्टिन मौजूद होते हैं यहाँ पर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं फाइब्रोब्लास्ट माइक्रोफेजिज़ एडिपोसाइट्स फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये वो सेल होते हैं जो कि किसी भी किस्म की जो अगर ज़ख्म लग जाए हमारी स्किन के ऊपर तो उसकी हीलिंग में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं वोड हीलिंग में इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद माइक्रोफेज़स माइक्रोफेजिज़स ये हमारे वो सेल्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में हमें हेल्प कर रहे होते हैं हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई पैथोजन कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो ये माइक्रोफेजिज़स उसके साथ फ़ाइट करती हैं एडिपोसाइट ये वो होते हैं डिश सेल जो कि फ़ैट को अपने अंदर स्टोर कर रहे होते हैं तो फैट को स्टोर करने वाले जो सेल होते हैं हम इनको एडिपोसाइट कहते हैं और ये सब क्यूटेनियस में आलमोस्ट फिफ्टी परसेंट जो है ये कंप्राइज कर रहे होते हैं या फिर फिफ्टी परसेंट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं ये आपके पास मैमल्स की स्किन का जो है वो एक एक डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये डर्मल पेपिलाई आपको वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर डर्मल पैपिलई आपको नजर आ रहे हैं तो ये बेसिकली डर्मस से स्टार्ट होकर ऊपर एपिडर्मस तक मूव कर रहे हैं अगर यही पैपिलई जो है वो हाइपोडर्मस यानी के बेस से स्टार्ट हो रहा होता तो इसको जो है वो हम हाइपोडर्मस का या फिर डर्मल हाइपोडर्मस पेपिलई रीजन कह सकते हैं तो ये बेसिकली कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ये कहीं से भी इमर्ज होकर जो है वो टिप तक जो है वो जा सकता है अब स्किन में आपको ये पेपिलई ऑफ द हेयर नज़र आ रहे हैं यानी कि ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से आप कह सकते हो कि हेयर्स निकल रहे हैं और पूरी बॉडी तक मूव करें ब्लड वेसल्स मौजूद हैं लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद हैं हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं और ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक मसल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक ब्लाई मसल्स होते हैं ना बेसिकली इनका काम होता है डिफरेंट हेयर्स uh, को जो है वो हेयर्स uh, की वो जो इरेक्शन होती है ना यानी कि जैसे डर वगैरह में हेयर्स खड़े हो जाते हैं तो उसको जो है ये कंट्रोल कर रहे होते हैं सो दैट वॉज़ ऑल बच्चों अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह की आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं नहीं तो आप जो है वो इन जैसा कि कहा जा रहा है हमारी फ़िज़िकल क्लासेज़ इन शाला जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी तो उसमें भी जो है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन